हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कल है जो कि PPSC 67वीं PT की परीक्षा हो गई है, तो कट ऑफ कितना जा सकता लगभग लोगों ने मिला लिया होगा। 5 से 10 प्रश्न है जो कि वो कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, ई होगा या सी होगा डी होगा, तो ये सब होते रहता है। लेकिन एक आइडिया लगभग लग गया होगा कितना स्कोर है जो कि आ रहा। तो बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई, करीब है जो कि 60% उपस्थिति रही। कितने 60%, तो लगभग है जो कि मांगे चला जाए कि 3 से 3.5 लाख लोगों ने जो कि परीक्षा में भाग लिया और वीडियोग्राफी कराई गई। परीक्षा अतुल प्रसाद ने प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण होने की जान 15 नवंबर तक है जो कि रिजल्ट भी आपका घोषित हो जाएगा। 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम की लाइव फुटेज भी दिखाई जाएगी। किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। 1153 परीक्षा केंद्रों पर जो कि परीक्षा जो कि हुई, 5 लाख छात्रों ने जो कि डाउनलोड किया था, 3 लाख के आसपास लोगों ने बैठा। कट ऑफ जो है आपको 105 के आसपास रह सकता है परीक्षा विषय। और सही बात है, इसी के राउंड में क्वेश्चन का लेवल अगर कहें तो पुराने के लेवल में थोड़ा सा आसान तो था। तो वेबसाइट पर डाली जाएगी उत्तर पुस्तिका भी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया मूल्यांकन के बाद सभी उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर, ऐसा इसलिए ताकि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका देख सके, परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा किया ताकि कोई भी बात, तो ये इस बार जो है क्योंकि अगले बार गड़बड़ा गया था परीक्षा, इस बार फूक फूक कर जो कि कदम रखा गया और ये सही पहल है। और एक तरह से शांतिपूर्ण पूरी तरह से परीक्षा हुई और जो मेरिट जोड़ियस लड़के उनका रिजल्ट है जो कि निश्चित रूप से जरूर होगा। 105 के आसपास है जो कि अगर कट ऑफ है जनरल की, तो आप कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ देखते हैं कि क्या रहा। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ में जनरल का जो है 100, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल का 103 से 105 कट ऑफ है जो कि EWS का 99 से 102, OBC का 101 से 103, EBC का 98 से 101, SC का जो कि 98 से 95 और ST का 93 से 95, महिलाओं का कट ऑफ 95 से 98 के बीच रहने की संभावना है। तो ये जो कट ऑफ है 105 के आसपास मतलब आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कि आपको जिसमें रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। और सही सही कुछ उत्तर गड़बड़ मिलेंगे, अभी भी कई जगह है जो कि आंसर कुछ कन्फ्यूजन रहेंगे क्योंकि ई ऑप्शन जो है ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। और सबसे कम उपस्थिति कहाँ रहा, तो आरा में रहा 42%। इस परीक्षा का परिणाम 15 दिसंबर तक जो कि 15 नवंबर तक जारी होगा। 68वीं BPSC परीक्षा अगले साल है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से कल बयान BPSC के दे रहे थे, एक महीना मतलब अक्टूबर के लास्ट में जो है वो ये वैकेंसी है जो कि लगभग 200 पदों पर अभी जो कि आज है। और 69वीं भी जो है वो भी BPSC है जो कि की परीक्षा मई में होगी, मतलब 69वीं भी है जो कि अगले साल आ जाएगी। सुधार के लिए जो कि एक अवसर दिया जाएगा, ये भी है, PT में इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सब जो है कौन कौन सा है जो कि विषय है जो कि इतिहास व भूगोल के प्रश्नों ने किया प्रश्न। हाँ, इतिहास और भूगोल के प्रश्न जो थे और वो थोड़े से मानकर चले कि थोड़े बहुत परेशान किए, नहीं तो बाकी सब मिला जुलाकर अच्छे प्रश्न थे। और यहाँ पर बता बीते वर्ष थोड़ा सा कठिन था, लेकिन मानकर चला जाए कि ये दोनों इतिहास और भूगोल के संदर्भ में ये कहा जा रहा है। लेकिन साइंस भी इस बार थोड़ा सा टफ था अपेक्षा कर, जो नॉर्मल जो साइंस आता था वहाँ मैथ आसान थे, 10 के 10 आसान थे। करेंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछा गया था। तो ये मिला जुला कर 105 के कट ऑफ, और ये जो कट ऑफ दिया जा रहा है इसके आसपास में अगर आप खेले हैं तो निश्चित रूप से ये रहेगा। और भारतीय इतिहास, राजव्यवस्था, बिहार स्पेशल था, बिहार के प्रश्न पिछले वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे से था, वो भी ऊपरी ऊपरी था कि आपको शहरीकरण से 2 प्रश्न थे आपको कि कौन कौन सीरीज में था, पटना, नालंदा, मुंगेर, और ये कितने प्रतिशत है शहरीकरण का। फिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का बिहार में जो कि इकोनॉमिक सर्वे से था। तो ये सब क्वेश्चन कुछ आसान, तो मतलब 105 के आसपास सही है, तो आपके रिजल्ट है जो कि होने की पूरी संभावना आपकी बनी हुई है। और आप लोग है जो कि हाँ तैयारी करते, क्योंकि मेंस में भी बहुत ज़्यादा समय है जो कि आपको नहीं है। और परीक्षा का रिजल्ट भी आपको बता दिया, 15 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। 3000 ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती जल्द होगी। तो प्रदेश के ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायत सचिव को 3000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। राज्य के पंचायती राज विभाग की ओर से 1500 रिक्त पदों पर भर्ती राज्य अधीनस्थ चयन आयोग को, मतलब ये उत्तर प्रदेश
में होंगे। यह जानकारी पंचायती राज निदेशक अनुज झारी, उन्होंने उम्मीद जैसे आयोग जल्द ही है जो कि इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पंचायत सचिवों कुल 8100 पद है, इनमें से 3000 पद काफी लंबे अरसे से खाली चल रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारियों को मिला लिया जाए तो पंचायत सचिव कामकाज ऐसे अवसर खुलता था 17000 बैठ, जबकि प्रदेश में 58000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इस तरह से इन 3000 रिक्त पदों पर भर्ती के बावजूद एक एक पंचायत सचिव पर 4 से 5 ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी रहेगी। पंचायती राज निदेशक के अनुसार पंचायत सचिव का काम क्लस्टर होता है और स्वाभाविक है कि एक पंचायत को कई ग्राम पंचायतों को देखना पड़ता है। मतलब 3000 जो पद है उसकी भर्ती जो यूपी में जल्द है जो कि आने वाली है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।